नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और फिलहाल हम टोल प्लाजा पर हैं, जहां से जब शुरुआत हुई किसान आंदोलन की तो ये एक मुख्य रोड था जिसे जीटी रोड कहा जाता है, सबसे लंबा जीटी रोड। और यहां से ट्रैक्टर ट्रोलर किसानों की जो लाइन है सीधा दिल्ली कूच कर रही थी। और अब जहां आंदोलन में मोड़ आए तो अब मौसम में भी करवट बदली है, तो वहीं मौसम की करवट के बदलते अब तस्वीरें बदलने लगी हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ट्रैक्टर ट्रॉली जो है कहाँ से आया, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। जहाँ अक्सर ट्रॉलियों के ऊपर जो है छत बनाई गई थी, वो चाहे तिरपाल से हो या पन्नी से, ताकि किसी तरह से कोई सर्दी न लगे किसानों को। लेकिन जैसे ही अब गर्मी बढ़ने लगी है तो अब तस्वीरें भी बदलने लगी हैं। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि ये लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लगातार ट्रैक्टर ट्रोलियों को अब कूच जारी है, जहां सुख किसान मोर्चा द्वारा अब जो है नई रणनीति बनाई गई है, जहां रेल रोको अभियान के तहत कल यानी 18 फरवरी को 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको अभियान है। हर ट्रैक पर किसान पहुंचेगा तो वहीं सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत तमाम बॉर्डरों पर अब जो तस्वीरें हैं वो बदलने लगी हैं। जानेंगे कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सामान भी आप देख सकते हैं काफी सामान है, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो लेकर के पर्याप्त तौर पर यहाँ से जा रहे हैं। तो सत श्री अकाल पाजी, कहाँ से आए पाजी? फतेहगढ़ साहब तो आए हैं जी असि। सानू आया नू हो गया है, उत्थे एक महीना हो गया, उत्थे साड़ी ट्रैली खड़ी है। जो सानू समान की लोड़ पै रही है, हुण मच्छर मौसम सर्दी बदल मौसम बदल रहा है, मच्छरदानी हो गया, पखा हो गया, राशन की लोड़ है, जो भी साढ़े को समान है असी ट्रैली विच दोबारे आके लेके जा रहे हैं, सानू कोई दिक्कत नहीं है। जो बदलते मौसम के चलते ट्रोलियों से तिरपाल जैसे छत बनी होती थी, अब ये कहीं ना कहीं नदारद होती नजर आ रही है, क्या लगता है मौसम बदलाव होने के? ए वीर जी, असी समान वास्ते ट्रैली लेके आए सीगे, पखे हैं दे विच, कूलरां दीआं साइयां दित्तियां होईआं हैं साडीआं, बाकी जो खाण योग लोड़ योग समान है, राशन है, साडीआं ट्रैलियां उत्थे दो तीन होर खड़ियां ने, उन्हां दे उत्ते छत भी है, सब कुछ है। ये असी अपने समान वास्ते ट्रैली दिल्ली लेके जा रहे हैं। अच्छा, लगता है कि अब जैसे मौसम में बदलाव है, मच्छर भी होंगे और तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे में कैसे किसान डटा रहेगा वहां पे? वीरे साडा तां इही कीता है, असीं तां खेतां विच जांदे आ, साडे तां मच्छर लड़दा ही रहिंदा है, सानू मच्छर मुच्छर दा कोई चक्कर नहीं है, असीं इह लड़ांगे, सानू कोई चक्कर नहीं है मच्छर दा, कोई होए बस जित के मुड़ांगे असीं, जंग फतेह करके आवांगे। तो और भी किसान लगातार पहुंच रहे हैं सिंगू बॉर्डर। जी पाजी, क्या नाम आप? जगबीर सिंह। अच्छा, ये जो बदलते मौसम के चलते जहां सरकार इंतजार कर रही है कि गर्मी अब किसान सहन नहीं कर पाएगा, कभी आपको संज्ञा दी जाती है आंदोलन जीवी परजीवी, तो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे इस बदलते मौसम के हिसाब से? जट्टा नु तां कोई गर्मी गुर्मी वाले नाल तां कोई चक्कर है ही नहीं, क्योंकि असीं हुण तक इन्नी सर्दी विच उत्थे रहे हैं, तां हुण गर्मी च तां सानूं रहना उहदे नालों वी सौखा है, क्योंकि ਸਾਡਾ ਜੇਠ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਸਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੋਰ ਬਤਾ ਦੇ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੋ ਕਿ ਅਬ ਫਸਲ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਮੇਂ ਗੇਹੂੰ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਫਸਲੇ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਹੈ उसको लेकर के क्या व्यवस्था रहने वाली है, उसके बारे में पूछेंगे। अब गेहूं की फसल पकने वाली है, जहां महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की तरफ तो कंबाइनें जा रही हैं, तो अब रणनीति क्या है, ऐसे में कि जो किसान है वहां पर फसलें भी खड़ी हैं, तो कैसे व्यवस्था करें? साडे पर भी मशीन है, असी मशीन रिपेयर कर, हुण मशीन रिपेयर साडे बंदे अद्धे उत्थे बैठे आ, अद्धे जिहड़े पिछे आ साडे परिवार दे मैंबर ओह पिछे कम संभाल रहे आ, हुण जिहड़ियां असी धरने ते तां साडे बंदे रहणगे ही रहणगे, जिहड़े साडे दूजे परिवार के मैंबर आ उन्होंने सानू यह कहा होया तुसी उत्थे संभालो, असी पिछे फसल डोडी अपनी फसल आ जिहड़ी ओह सब कुछ संभालांगे असी अपने आप। अच्छा, तुहानू कोई परेशान की लोड़ नहीं, तुसी अपना मोर्चे ते बैठो। अच्छा, मोर्चे पे अब कूलर है क्योंकि जरूरत पड़ेगी, ऐसे में सप्लाई जो है, कई बार खबरें आती हैं आंदोलन से जहां जहां पर जहां किसान बैठे हुए हैं कि वहां पानी की सप्लाई काट दी गई, बिजली की सप्लाई काट दी गई, तो फिर कूलरों का क्या उचित है? कूलरां दे साडे कोल जनरेटर, बड़े बड़े जनरेटर आ रहे हैं, तुहानू पता ही होगा, तुसी देखे ही होना, हुण असी जा साडे बंदे गए हुए उत्थे दे, दो जनरेटर आउणगे हुण गर्मी वास्ते, बड़े 50-50 पावर दे, ते ओह उत्थे हुण चलूगा, फिर जनरेटर चलना है।
युवा नौजवान हमारे साथ, अब मच्छर भी होंगे क्योंकि वो तो आप सड़क पे हैं, घर पे भी मच्छर हो। कोई चक्कर नहीं, मच्छर साडे लड़ूगा, कोई चक्कर नहीं यार, मच्छरों के साथ ही लड़ते हैं, मच्छरों के साथ लड़। तो अब जो रूपरेखा तैयार कर ली है, गाँव में से किस तरह से जाते, पहले तो एकदम से पूरा गाँव भी जाता था, बहुत सारे लोग जाते थे, अब क्या व्यवस्था की है गाँव में, क्योंकि पंचायतें हो रही है जगह जगह पर, क्या आपके गाँव की व्यवस्था? साडे यार गाँव चो व्यवस्था ऐदा करती भी हुण लै दे आ, जथेदारा ने कहते आ भी अज 6 मैंबर हो जाणगे, 6 मैंबर होए, कमेटी बनाती भी लै दे ओह बंडे जाणगे यार बंदे। अच्छा, दो दिन रहेंगे, दो दिन बाद वो आ जाएंगे, वो चले जाएंगे, ऐसे चलूगा। अच्छा। पांच बंदे उधर तक चले जाएंगे, पांच बंदे आ जाएंगे। अच्छा, कितने दिन ठहरता है एक बार जाने के बाद? हफ्ता हफ्ता। अच्छा, तो अब ये व्यवस्था सुचारू कर दिया, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता दिखाती नजर नहीं आ रही है, तो क्या लगता है ये लंबा चलने वाला है, तो आप चला पाएंगे? चलाऊंगे। कैसे? जितनी देर तक चले आ चलूगा। अच्छा, जितने जाएंगे जारी रखांगे। कहाँ से आए? मैं पंजाब फतेहगढ़ साहिब। जी जी जी, आप कहाँ से हैं? हम कत्थल से आए हैं जी। अच्छा। दिल्ली विश्वविद्यालय की रोडी मल छात्र के स्टूडेंट हम। ओके। यस सर। तो अब कहाँ आंदोलन में जा रहे हैं? आंदोलन में जा रहे हैं जी हम, मोदी को बताना है कि किसान की बाजू में कितना जोर है, वो कितनी भी बैरिकेडिंग कर ले, कुछ भी कर ले, किसान और ये छात्र ये रुकने वाले नहीं है, और अनपढ़ बताते हैं वो, हम कन्वर्टेड बताते हैं, वी आर एजुकेटेड फार्मर्स, हम उनसे दबने वाले नहीं है। उसके मोदी को, उसके अमित शाह को वो क्या कहते हैं, क्या अगर बेच देंगे देश को, ये किसान है, हम किसान है, हमारा भाईचारा है, उनको घर से निकालेंगे सीटें घर से। यहाँ पर स्टूडेंट भी लगातार पहुंचे हैं, और यहाँ दूसरी तरफ हम कह रहे थे इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं अब बदलते, ये यहाँ देख पा रहे हैं किस तरह से अब जो है छत जो हुआ करती थी ट्रैक्टर ट्रोलियों पे, वो यहाँ पर अब नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बदलता मौसम है तो तस्वीरें भी बदल रही हैं, और इन बदलती तस्वीरों के माध्यम से आंदोलन की जो धार है, आंदोलन की जो रूपरेखा है, वो ऐसे ही दिखाई दे रही है, अब कहीं ना कहीं और योजनाबद्ध तरीके से, जैसे ही अब ये संयुक्त किसान मोर्चा को लगा, किसान नेताओं को लगा कि अब आंदोलन लंबा चलेगा, सरकार से सीधा संवाद न होने के चलते अब आंदोलन की रूपरेखा में भी रणनीति जो है अब बदल दी गई है, जहां किसान नेता लगातार देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, तो वहीं गांव गांव में पंचायत हो रही है, और गांव के अंदर योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि अब फसल भी आने वाली है, और गेहूं की फसल की कटाई के लिए भी व्यवस्था को लेकर हमने बातचीत की, और जहां इसको लेकर अब बारिश और तमाम जो मौसम में बदलाव होगा, मच्छर होंगे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरे स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया कि उनकी व्यवस्थाएं जो घर पे थी वो यहां पर रहने वाली है। अब देखना यह दिलचस्प होगा, सरकार किसान के बीच की लड़ाई कहां जाके रुकती है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।